हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज फिर से एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आप लोग देख पा रहे होंगे हल्के आईब्रो में सेफ कैसे दें। तो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी कि हल्के आईब्रो में सेफ कैसे दें। मैं आईब्रो ऊपर से स्टार्ट कर चुकी हूँ, आप सब देख पा रहे होंगे। ऊपर से आईब्रो का सेफ थोड़ा मोटा ही रखें। ये मेरा आईब्रो स्टार्ट हो चुका है ऊपर से, आप लोग देख पा रहे होंगे। अब मुझे फोरहेड भी करना था साथ साथ। मेरे क्लाइंट के बहुत छोटे छोटे हेयर हैं, अभी हेयर ग्रोथ अच्छे तरीके से हुए नहीं है। मेरा ऊपर का आईब्रो कंप्लीट है, थोड़ा सा मैंने मोटा रखा है। ये मैं नीचे का आईब्रो को सेफ देने लगी हूँ। आप सब देख सकते हैं कितने छोटे छोटे हेयर हैं अभी, ये हैं बहुत ज़्यादा छोटे हैं। मैं आईब्रो को सेव दे रही हूँ। मैं एक एक बाल करके निकाल रही हूँ, अच्छे तरीके से कैंची में बाल फंसा के निकाल रही हूँ। और स्किन एकदम टाइट पकड़वाया है मैंने। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ये मेरा थ्रेडिंग लगभग कंप्लीट है। थोड़े से छोटे छोटे हेयर हैं वो निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, छोटे हेयर निकालने में दिक्कत होती ही है। ये मैं पॉइंट का सेफ दे रही हूँ। मेरी क्लाइंट का आईब्रो बनने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा था। मेरे वीडियो पे आप लोग प्लीज़ लास्ट तक बने रहें, फुल वॉच करें। मेरी एक थ्रेडिंग कंप्लीट है, ये मैं दूसरा थ्रेडिंग करने लगी हूँ। आप सब देख सकते हैं कितने छोटे छोटे हेयर अभी निकले हैं। अच्छे से टाइट तरीके से पकड़वा लेना है थ्रेडिंग के ऊपर और नीचे के हिस्से को, और अच्छी तरीके से थ्रेड चलाना है ताकि क्लाइंट को कट नहीं लगे। वैसे मेरी क्लाइंट का स्किन टाइट है, फिर भी मैंने टाइट तरीके से उनको बोला है कि आप पकड़ लीजिए नहीं तो कट लग जाएंगे, तो उन्होंने बहुत टाइट तरीके से पकड़ा है। और मेरी इन क्लाइंट का थ्रेडिंग ये भी लगभग नीचे का कंप्लीट है। बहुत ही छोटे छोटे हेयर हैं, बहुत ही छोटे छोटे हेयर हैं अभी निकल रहे थे, अच्छी तरीके से हेयर निकले नहीं थे। ऐसे ही आप सपोर्ट बनाए रखें। प्लीज़ जो भी हैं मेरे भाई बहन जो भी देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, लाइक कर दें, कमेंट ज़रूर करिएगा। ये मेरा नीचे का थ्रेडिंग कंप्लीट है, मैं ऊपर का कर रही हूँ, ऊपर का शेप दे रही हूँ। ये मैं कैंची की मदद से आईब्रो को शेप में कट कर रही हूँ। ये मैं ऊपर का शेप दे रही हूँ। फोरहेड भी साथ ही साथ करना था, वो भी मैं ऊपर का जब थ्रेडिंग कर रही हूँ तभी साथ ही साथ फोरहेड भी कर रही हूँ। आप सब देख ही पा रहे होंगे, ऐसी वीडियो आप सबके लिए लाती रहूँगी, इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगी। आप प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए। ये मेरा आईब्रो कंप्लीट था और मैं कर रही थी फोरहेड। फोरहेड पे थोड़े से हेयर थे, पहले मैंने थोड़ा सा फोरहेड को क्लीन किया था, थोड़े से रह गए थे वही मैं क्लीन कर रही हूँ। आप सब देख पा रहे होंगे मेरा फोरहेड भी कंप्लीट है।
आप लोगों को ब्यूटी से रिलेटिव कैसी वीडियो चाहिए प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के हिसाब से वीडियो ला सकूं। आप सब देख सकते हैं मेरा फोरहेड भी कंप्लीट है, थ्रेडिंग भी कंप्लीट है। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो मेरे भाई बहन नए हो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। आप लोगों को मेरी क्लाइंट का थ्रेडिंग कैसा लगा है प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।